कि आपके इरादों का इम्तहान अभी बाकी है, असली उड़ान अभी बाकी है। अभी तो आपने नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर भाजपा देश में कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इस बीच मुजफ्फरपुर में गरीब जन कल्याण सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार सरकार के कई मंत्रियों के साथ केंद्र के भी कई मंत्री शामिल हुए। इस दौरान मोदी सरकार में हुए कार्यों के बारे में जानकारी भी दी गई, जहां सभी ने नरेंद्र मोदी सरकार का जमकर गुणगान किया। मंत्रियों ने कहा कि जो भी काम गरीबों के लिए हो रहा है, वो पिछले 8 साल में बहुत तेजी से हुआ है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सहित बिहार सरकार के कई मंत्री भी मौजूद रहे। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आज सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है, हर क्षेत्र में लोगों का विकास हो रहा है। उन्होंने बताया कि यूपीए सरकार और एनडीए सरकार को देखने से पता चल जाएगा कि देश में किस रफ्तार से विकास हो रहा है। वहीं विपक्ष के साथ कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि हमारी सरकार किसी को फंसाने का काम नहीं करती। वहीं राहुल गांधी पर ईडी के कार्रवाई के सवाल पर कहा कि इस बारे में हमसे ज्यादा कांग्रेस ही जानती है, उससे ही पूछिए। मोदी सरकार के 8 साल पूरे हुए हैं। मोदी सरकार के 8 साल वही कहेंगे कि एक तरफ भौतिक संपत्ता विपरीत परिस्थितियों में 200 करोड़ टीका इलाज करने के बाद देने के बाद गरीब कल्याण में 80 करोड़ घरों में अन्न देने के बाद और लगभग 14 करोड़ किसानों के खाते में पैसा भी देने का काम किया। मूल्य वृद्धि भी किसानों का 48% से 80% तक MSP का दाम बढ़ाया और बजट जहां 16.5 लाख करोड़ का था, वहां बजट आज की तारीख में 37.5 लाख करोड़ का बजट हुआ। वही नहीं, जो रेवेन्यू था 11 लाख करोड़ का, वो आज 32 लाख करोड़ का है। वही नहीं, एक्सपोर्ट केवल 19 लाख करोड़ का था, आज 52 लाख करोड़ का है सभी एक्सपोर्ट को मिला करके। तो बिहार में जहां मनरेगा में 9,000-9,500 करोड़ मिला यूपीए काल में, 8 साल में हमने 24,000 करोड़ देने का काम किया। इंदिरा आवास के रूप में क्या मिलता था, ये राज्य सरकार से पूछिए। अभी हमने 52 लाख मकान गरीबों को देने का काम किया है। तो ये हरी अनंत, हरी कथा अनंत, एक तरफ भौतिक विकास, दूसरे तरफ सांस्कृतिक विकास। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आप लोग ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं, राहुल गांधी से जो पूछताछ की जा रही है। ये कांग्रेस से पूछिए, हम तो कानून का। मुजफ्फरपुर से बोलता बिहार की रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। तमाम इसी तरह की छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।